एक महत्वपूर्ण त्यौहार जो भाई एवं बहन का त्यौहार माना जाता है, जिसे रक्षा बंधन कहते हैं। यह एक पवित्र त्यौहार है जो श्रावण मास के श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रक्षा का त्यौहार है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाती है। भाई के कलाई पर रक्षा बंधन बांधती है, उसके लिए कामना करती है कि लंबी उम्र और आगे बढ़े। भाई भी अपने बहन के लिए वचनबद्ध होता है कि उसकी रक्षा हमेशा हो। इस तरह से रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष संयोग है कि 19 वर्षों के बाद रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन का मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 5:49 से शाम 6:01 तक रहेगा और विशेष मुहूर्त दोपहर 1:43 से 4:20 तक रहेगा। बड़ा संयोग है कि इस वर्ष रक्षाबंधन का काफ़ी समय मिलेगा और इस तरह से रक्षाबंधन का महत्व है। कहानी इस प्रकार है कि जब इंद्र देवता दानवों से लड़ाई कर रहे थे तो बार बार पराजय हो रहे थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब उनको अपने गुरु बृहस्पति याद आया। वो अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ अपने गुरु के पास गए और बातें बताई। गुरु ने इंद्राणी को देखते हुए धागा भेंट किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से इसकी कलाई पर बंधवा दो। और कुछ ऐसा ही किया गया। और फिर जब इंद्र देवता लड़ाई के मैदान में आए तो विजय प्राप्त हुए। इस तरह से कहा जा सकता है कि धागा सिर्फ धागा ही नहीं बल्कि रक्षा कवच है। दूसरी कहानी इस प्रकार है कि सिकंदर जब पुरुराज से युद्ध कर रहे थे तो सिकंदर की पत्नी ने पुरुराज को धागा बांधी और जब पुरुराज को धागा बांधा गया तो पुरुराज बार बार सिकंदर को जीवन दान दे रहे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन का महत्व काफ़ी है। तीसरी बात यह है कि जब
श्री कृष्ण ने यीशुपाल को जब सुदर्शन चक्र फेंक कर मारने की कोशिश की तो श्री कृष्ण का हाथ थोड़ा कट गया। तो उस समय द्रौपदी अपनी साड़ी को फाड़ कर उनकी रक्षा की। एक समय ऐसा आया जब पांडवों और कौरवों के बीच कौरवों की ओर से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो उस समय श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की और उस समय जब दुर्योधन साड़ी खींच रहे थे तो साड़ी इतना बढ़ जा रहा था, उन्होंने कहा कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। इस तरह से द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया। इसलिए कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार महत्वपूर्ण है और इस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाता है। धन्यवाद। इस व्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, जिससे समाज में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।